बलरामपुर हरैया सतघरवा विकासखंड के सीमावर्ती गांव बरदौलिया में 20,34,000 की लागत से 300 गौवंशों को संरक्षित करने के लिए गौशाला का निर्माण कराया गया है, जिसका उद्घाटन बुधवार को मुख्य विकास अधिकारी संजीव कुमार मौर्य ने फीता काटकर और गौवंशों का पूजन करके किया। उद्घाटन अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में से गौशाला निर्माण कर उसमें छुट्टा गौवंशों को संरक्षित करना सरकार की प्राथमिकता है। उसी को देखते हुए जनपद में सबसे बड़ा गौशाला बनवाया गया है। छुट्टा गौवंशों की वजह से किसानों की फसल चौपट हो जाती है। इस गौशाला का संचालन होने से क्षेत्र के किसानों की फसलों की नुकसान नहीं होगा। बरदौलिया ग्राम पंचायत में हरिया सतघरवा ब्लॉक में एक नए गौशाला का भी निर्माण कराया गया है, जिसकी क्षमता 300 है और यहाँ पे जो है खाद गड्ढे के लिए भी व्यवस्था की गई है, साथ में जो है उनके पानी और चारे की व्यवस्था की गई है। और यहाँ ये भी है कि गांव में जो है जो अन्ना पशु या छुट्टा पशु हैं, गौवंश हैं, उनको यहाँ पे संरक्षित करके ताकि जो हमारे किसान भाई हैं उनके खेतों को नुकसान ना पहुँचे और वो फसल उनका उत्पादन सही से हो, कुछ बिना किसी नुकसान के, उसकी भी कोशिश की जा रही है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा पशु यहाँ पे संरक्षित किए जाएंगे ग्राम पंचायत में, और जगह भी हम लोग गौशाला का निर्माण करा रहे हैं तो उसको भी समय से पूरा करा के जो हमारे छुट्टा गौवंश हैं उनको भी संरक्षित किया जाएगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।